Hello and welcome to SPMIAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th June 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about Judicial Activism and Public Interest Litigation (PIL). ये जो टॉपिक है काफ़ी हेल्पफुल है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस पेपर टू इंडियन पॉलिटी टॉपिक्स. सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर उसको लिंक करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पीआईएल. देखिए, जुडिशियल रिव्यू इज पावर ऑफ द जुडिशियरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. तो संविधान में कहीं पे भी अगर कोई ऐसी बात लिखी है जो थोड़ी सी एम्बिगुअस है, कंफ्यूजिंग है, क्लैरिटी नहीं है, तो वहाँ पे संविधान को इंटरप्रेट करने का और उस प्रोविज़न का सही मतलब बताने का पावर जुडिशियरी के पास है. जो हाईएस्ट जुडिशियरी है सुप्रीम कोर्ट, नॉर्मली वो इस पावर को एंजॉय करती है, बट इन सर्टेन केसेस इवन हाई कोर्ट कैन ऑल्सो डू सच फंक्शंस. तो जुडिशियल रिव्यू का पहला जो एस्पेक्ट होता है वो होता है एबिलिटी और पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर एवर द प्रोविजंस आर एम्बिगुअस. मतलब पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर ऑब्जेक्टिव तरीके से वो प्रोविजंस अगर क्लियर नहीं है तो जुडिशियरी उसको इंटरप्रेट करेगी. दूसरा, टू डिक्लेयर एनी सच लॉ वॉइड इफ इट कम्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो कोई भी कानून जो पार्लियामेंट बनाए या फिर ऑर्डर जो एग्जीक्यूटिव्स रिलीज करें, अगर वो कानून या ऑर्डर संविधान के किसी भी प्रोविजन के अगेंस्ट है, इनकंसिस्टेंट है, तो जुडिशियरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, मतलब उसको रद्द कर सकती है. ये पावर जो होती है जुडिशियरी की, इसी को कहते हैं द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जैसे ये है संविधान मान लीजिए, और एक कोई नया कानून बना, और ये कानून अगर जुडिशरी को लगता है कि संविधान के आइडियाज़ के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी कैन बाय डूइंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ दिस लॉ कैन डिक्लेयर दिस लॉ नल एंड वॉइड. जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का कॉन्सेप्ट लाया था सरकार ने बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन साल 2014 में. जुडिशरी को लगा कि ये जो एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का कॉन्सेप्ट है, ये जुडिशरी के ऑटोनॉमी को ब्रीच कर रहा है, और इस कारण से जुडिशियरी फाउंड इट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी विच इज़ वन ऑफ द की प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस ग्राउंड पे जुडिशियरी ने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया. तो ये है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और इन पावर्स के कारण ही सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यूपीएससी ने साल 2015 में इससे सीधा सीधा प्रश्न पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे ऑप्शंस थे. तो सीधा सीधा जवाब होगा द सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट हैज द पावर टू इंटरप्रेट एनी लॉ एंड इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड. फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो मॉन्यूमेंटल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, केशवानंद भारती जजमेंट 1973 वाला, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ले डाउन किया था कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं संविधान में जिनको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती. दे आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बियॉन्ड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एज फार एज देयर अमेंडमेंट कैपेबिलिटीज आर कंसर्न. ये केशवानंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया. इसके साथ बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया, और कौन कौन से प्रोविजंस बेसिक डॉक्ट्रिन के अंदर आएंगे वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने सक्सेसिव जजमेंट्स में, आने वाले और भी जो जजमेंट्स होंगे उनके थ्रू हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर का जो एम्बिट है कि कौन कौन से प्रोविजन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगे उसको हम लोग बताते रहेंगे. लेकिन यही केशवानंद भारती जजमेंट में जहाँ पे उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन ले डाउन किया, वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये संविधान का कोर आइडिया है जिसको पार्लियामेंट कभी भी नहीं हटा सकता थ्रू एनी अमेंडमेंट. तो ये तो बात हो गई अराउंड जुडिशियल रिव्यू कि जुडिशियल रिव्यू के कारण ही, इस एबिलिटी कारण सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, नाउ इट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये उसी जजमेंट में दिया गया था जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन ले डाउन किया था, दैट इज केशवानंद भारती जजमेंट। अब जुडिशियल रिव्यू को अगर प्रोएक्टिव तरीके से जुडिशियरी अप्लाई करे इन ऑर्डर टू एंश्योर जस्टिस इन सोसाइटी, इन ऑर्डर टू प्रमोट राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, तो फिर इस तरीके के अप्रोच ऑफ जुडिशियरी को कहा जाएगा जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब जहां पे जुडिशियरी सिर्फ नियम कानून को ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है इन रिस्ट्रिक्टेड मैनर, जुडिशियरी इज वेरी प्रोएक्टिव। तो जुडिशियल एक्टिविज्म रेफर्स टू द आइडिया that the judges should actively interpret law and constitution rather than simply applying it as it is written। तो एक होता है पैसिव तरीके से अपना काम करना, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक होता है कि आप ऑफिस गए और जो काम है वो बिना मन के निपटा करके आ गए, दूसरा है एक्टिव तरीके से अपनी ड्यूटी को पूरा किया इन ऑर्डर टू डू जस्टिस विथ द फंक्शंस दैट हैव बीन असाइंड टू यू। तो वैसे ही जुडिशियल एक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जुडिशरी को अपने जितने भी पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको एक्टिव तरीके से उनको प्ले करना चाहिए और जितने भी संविधान के प्रोविजन हैं उनको एक्टिवली इंटरप्रेट करके इम्प्लीमेंट कराना चाहिए इन ऑर्डर टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड प्रमोट जस्टिस। तो ये हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर यही जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब एक्सेसिव इंथुजियास्टिक मैनर से अप्लाई किया जाए, जहाँ पे जुडिशरी कहीं ऐसा कभी कभार कर देती है कि वो जो दो अदर विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं जैसे लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, उनके पावर फंक्शंस वाले एरिया में भी या डोमेन में भी इंटरफेयर करने लगती है, तो फिर यही जुडिशियल एक्टिविज्म का जो प्रोविजन होता है उसको क्रिटिक्स कहने लगते हैं कि अब जुडिशरी ओवर रीच कर रही है इनटू या इंक्रोच कर रही है इनटू द अदर डोमेन्स ऑफ गवर्नमेंट दैट इज लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो फिर से समझते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी के पास पावर है कानून को रिव्यू करने का और उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस पावर को अगर प्रोएक्टिवली अप्लाई करे जुडिशरी तो उसको कहा जाएगा जुडिशियल एक्टिविज्म। लेकिन वही चीज अगर बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के एंड इफ जुडिशरी गोज वे टू फार एंड स्टार्ट इंटरफेयरिंग इनटू ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर्स कि नहीं नहीं ये तो गलत है, तो कहीं ना कहीं दैट एक्शन विल नो लॉन्गर बी सीन एज जुडिशियल एक्टिविज्म, इट विल बी सीन एज जुडिशियल ओवररीच। तो जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के बीच में कोई एक टेक्निकल डेफिनेशन नहीं हो सकता है, द लाइन इज वेरी थिन एंड ब्लर्ड। बस ऐसा है कि जो क्रिटिक्स होंगे वो जुडिशरी जब हाइपर एक्टिव होकर के लोगों के राइट्स के लिए काम करेगी तो क्रिटिक्स जुडिशरी के उसी एक्शन को कहेगी कि नहीं जुडिशरी ओवर रीच कर रही है, अननेसेसरी इंटरफेयर कर रही है द अदर विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल रिव्यू तो मैंने आपको समझा ही दिया है, पावर ऑफ द जुडिशरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट्स, जो भी कानून है उनको इवैल्यूएट किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को इवैल्यूएट किया, चाहे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं, अगर उसको वो पाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के इनकंसिस्टेंट है, अगेंस्ट है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 66 ए ऑफ आईटी एक्ट, इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, बट इस पर यूपीएससी ने मेन्स में प्रश्न पूछा है, श्रेया सिंघल केस था ये सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसका अनड्यू इंटरफेयर इस्तेमाल किया जा रहा है इस आईटी एक्ट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, इन ऑर्डर टू सप्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को लगा ये जो सेक्शन 66 ए ऑफ आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19A को वॉयलेट कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। तो जुडिशियल रिव्यू करके सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। केस का नाम था श्रेया सिंघल केस, समडे एल्स वी विल बी डिस्कसिंग, पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया है। जुडिशियल एक्टिविज्म जहां पे जुडिशरी काफी प्रोएक्टिव तरीके से अपने रिव्यू वाला जो पावर है उसका इस्तेमाल करने लगती है इन ऑर्डर टू एंश्योर राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, इन ऑर्डर टू एंश्योर जस्टिस इन द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल इसी का इस्तेमाल करके, जुडिशियल एक्टिविज्म का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट दिया। कोट्टा स्वामी जजमेंट 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया अंडर आर्टिकल 21। तो इस तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है जुडिशियल रिव्यू के पावर को जब सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करती है तब। लेकिन वही जुडिशियल रिव्यू को अगर ओवर इंथ्यूजियास्टिक तरीके से इस्तेमाल करे, एंड समटाइम्स व्हेन एक्सपर्ट्स स्टार्ट बिलीविंग कि जुडिशियरी इज इन्फ्रिंजिंग द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द अदर टू विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव्स, तो फिर उसी को क्रिटिक्स कहते हैं, जुडिशियल ओवररीच। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के पटाखों पे बैन लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे के अराउंड लीकर्स नहीं बिकने चाहिए। तो कुछ लोगों को लगा कि सर अब आप अननेसेसरी इंटरफेयर कर रहे हैं, ये काम है सरकारों का, एग्जीक्यूटिव्स का, उनको सोचने दीजिए, उनके पास एक्सपर्ट बॉडी है, उनको स्टडी करने दीजिए, रिपोर्ट्स के बेसिस पे, कमिटीज के बेसिस पे, रिकमेंडेशंस के बेसिस पे वो फैसला करेंगे। आप हर चीज में अगर इंटरफेयर करेंगे तो फिर बाकी दो विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट करेंगे क्या? बट आपको पता होना चाहिए, मैंने कराया भी है इस पे अलग से क्वेश्चन, यूपीएससी ने बार बार पूछा भी है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के अंतर्गत पावर है ऐसे ऑर्डर्स देने का जिसकी ग्रेविटी किसी एक ऑर्डिनरी लॉ के बराबर हो विच कम्स फ्रॉम द पार्लियामेंट। और सुप्रीम कोर्ट को इस पावर का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब उसको लगे कि इस पावर के इस्तेमाल से नेचुरल जस्टिस किया जा सकता है, इस पावर के इस्तेमाल से समाज में सोशल या इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर किया जा सकता है। बट उस पावर का बार बार इस्तेमाल करने लगे तो उसी को कहा जाएगा ओवररीच। अगर सेलेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करे तो उसको कहा जाएगा जुडिशियल एक्टिविज्म। तो मैंने आप आई जस्ट होप आपको समझा दिया है कि एक्टिविज्म और ओवररीच के बीच में कोई टेक्निकल ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है, वो देखने का बस नजरिया है। वही काम कुछ लोगों को लगेगा कि एक्टिविज्म है, कुछ लोगों को लगेगा कि ओवर रीच है। लेकिन की बात यह है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का ही नतीजा है कॉन्सेप्ट ऑफ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो इस आर्टिकल में भी कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मैं तो चाहूंगा कि आप एक बार ये पूरा आर्टिकल भी पढ़ लें आफ्टर दिस डिस्कशन, अच्छा आर्टिकल है। PIL का कॉन्सेप्ट समझते हैं, बट PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको एक बेसिक बात समझनी होगी विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनिंग ऑफ जुडिशियरी। तो जुडिशियरी में एक की कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है एज पर जुडिशियल रूल बुक। उस कॉन्सेप्ट का नाम है लोकस स्टैंडाई। देखिए, एज पर द प्रोविजंस ऑफ लोकस स्टैंडाई, अगर ये इंसान, मान लीजिए कि कोई केस रजिस्टर करना चाहता है किसी कोर्ट के अंदर, तो इस इंसान को साबित करना होगा कि इस पर्टिकुलर केस से इसका क्या रिलेशन है। मतलब दिस पर्सन विल हैव टू प्रूव कि how he or she is related with this particular case, how his rights are infringed in this particular case, then only he can move to the court for seeking remedies. तो इसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का सरल हिंदी मतलब हो सकता है आपका क्या नाता है इस पर्टिकुलर केस से, what is your relation, where do you stand in this particular case। तो मुद्दा यह है कि आपको कोई पीट दिया, आपका कोई सामान चोरी कर लिया, तो आप जाकर के केस कर सकते हैं कि सर मेरा राइट्स वायलेट हुआ इसलिए मैं केस रजिस्टर कर रहा हूँ। यू विल हैव टू प्रूव, दिस इज अ जनरल नॉर्म, बिफोर सबमिटिंग अ केस इन एनी कोर्ट यू हैव टू प्रूव दैट व्हाट इज योर लोकस स्टैंडाई, मतलब आपका क्या रिलेशन है उस पर्टिकुलर केस से, तभी जाकर के आप केस रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में ये जो कॉन्सेप्ट है लोकस स्टैंडाई का, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया फॉर सर्टेन केसेस। ये जो ट्रेडिशनल रूल है लोकस स्टैंडाई का जो जुडिशरी में फॉलो होता है कि आप किस ग्राउंड पे केस कर रहे हो, उसको रिलैक्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इन 1980s, अर्ली 1980s। इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि दिस लेडी इज सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस बाई हर हस्बैंड और एनी मेल मेंबर ऑफ द फैमिली और सोसाइटी, but that lady is so vulnerable, so weak economical sense में, या उसको knowledge नहीं है legal processes का, जिस कारण से सी हरसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ सीकिंग जस्टिस, वो खुद केस नहीं कर पा रही है, अपने लिए जस्टिस नहीं सीख कर पा रही है। उस केस में ये इंसान जाकर के केस रजिस्टर कर सकता है अंडर PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि ये मामला सिर्फ एक लेडी का नहीं है, ये मामला है डोमेस्टिक वायलेंस का, वीमेन के एक्सप्लॉयटेशन का, और मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक पर्टिकुलर केस रजिस्टर कर रहा हूँ जुडिशरी के सामने, जहाँ पे एक पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल की मदद से मैं जुडिशरी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट कोई एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट दिया जाए ताकि डोमेस्टिक वायलेंस को प्रिवेंट किया जा सके समाज में, और वीमेन के राइट्स इंश्योर हो पाए, जस्टिस समाज में प्रिवेल हो पाए। तो नॉर्मली क्या होता, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई फॉलो किया जाए तो ये आदमी पहुंचेगा केस करने कि एक लेडी को पीटा जा रहा है इसलिए केस रजिस्टर किया जाए। केस रजिस्टर नहीं होगा अगर लोकस स्टैंडाई का नॉर्म फॉलो किया जाए तो, कि आपका राइट्स इसमें कहाँ वायलेट हो रहा है, वेयर आर यू लोकेटेड इन दिस पर्टिकुलर केस। बट इफ ही फाइल्स अ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और उसमें वो कहे कि वैसे तो PIL का मतलब ही है कि सीधा सीधा इसका लोकस स्टैंडाई नहीं है उस केस से, बट इसको लगता है कि ये मामला पब्लिक इंटरेस्ट का है और ये रिक्वेस्ट करेगा जुडिशरी को कि ये पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जुडिशरी एक वाइडर नॉर्म अनाउंस करे ताकि इस तरीके के इशूज आगे ना हो। और अगर जुडिशरी एक्सेप्ट कर लेती है, ये डिपेंड करेगा जुडिशरी के ऊपर कि वो PIL एक्सेप्ट करे या ना करे। PIL बहुत बार प्राइमा फेसी यानी कि फर्स्ट गो में ही रिजेक्ट हो जाते हैं। आपने PIL डाला कि मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे ये मामले में सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को एक ब्रॉडर जजमेंट देना चाहिए। जुडिशरी हो सकता है पहले बेस केस में ही रिजेक्ट कर दे, पहले डेट में रिजेक्ट कर दे कि अरे इस तरह के PIL फ्रीवोलस हैं, यूजलेस हैं, मीनिंगलेस हैं। तो बेसिकली PIL का जो कॉन्सेप्ट है ये आया इन अर्ली 1980s व्हेन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट relaxed the norm of locus standi and allowed common citizens of the country to register case in judiciary through PIL even when they do not have direct locus standi in the case। और ये जो PIL का कॉन्सेप्ट है इसको दिया गया इन अ जजमेंट जिसका नाम है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और ये जो PIL का कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करने वाले जो दो मेन आर्किटेक्ट जजेज आप कह सकते हैं, जिनको क्रेडिट मिलता है फॉर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL इन इंडिया, वो हैं जस्टिस VR कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस PN भगवती। आप कह सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है PIL का, ये जुडिशियल एक्टिविज्म का नतीजा है। जुडिशरी ने कहीं ना कहीं अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर को काफ़ी एक्टिव तरीके से इंटरप्रेट किया और जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाते हुए कॉन्सेप्ट ऑफ PIL दिया कि कुछ केसेस में लोकस स्टैंडाई नॉर्म्स को रिलैक्स किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। और जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाते हुए PIL का कॉन्सेप्ट दिया गया, और अब PIL का जो कॉन्सेप्ट है उसकी मदद से जुडिशरी फिर से वापस से जुडिशियल एक्टिविज्म प्रैक्टिस करती है। फॉर एग्जाम्पल, आज जाकर के आप जुडिशरी के अंदर PIL डाल सकते हैं कि सर इन्वायरमेंट बहुत पॉल्यूट हो रहा है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप कुछ एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट सुनाएं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रोकने के लिए। सर फायर क्रैकर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस कारण से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो दिवाली में फायर क्रैकर्स के इस्तेमाल पे बैन लगाया जाए। सर हाईवे के किनारे जो शराब बिकते हैं, इस कारण से लोग शराब पी करके ड्राइव करते हैं, जिस कारण से एक्सीडेंट बढ़ते हैं, आप इस मामले में कानून एक फैसला सुनाए जिससे हाईवे के आसपास शराब ना बिके। तो PIL का कॉन्सेप्ट आया, जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाते हुए जुडिशरी ने PIL का कॉन्सेप्ट दिया, और अब PIL के थ्रू कई सारे PIL फाइल होते हैं जुडिशरी के अंदर, और उन PIL में सब्सिक्वेंट फैसले सुनाती है जुडिशरी। कभी कभार तो PIL रिजेक्ट कर देती है प्राइमा फेसी, कभी कभार एडॉप्ट करके, एक्सेप्ट करके कुछ फैसले सुनाती है, विच बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर फर्दर ऑगमेंटिंग जुडिशियल एक्टिविज्म। बट कभी कभार वही PIL में ओवर रीच भी हो जाता है, ओवर इंथ्यूजियास्टिक तरीके से जब जुडिशरी PIL में फैसले सुनाती है। तो 3-4 टर्म्स हैं, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवर रीच, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है ये वैसे तो जुडिशरी ने इंट्रोड्यूस किया इन ऑर्डर टू इंश्योर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और लोगों के राइट्स को इंश्योर कराने के लिए, लेकिन इसका कभी कभार मिसयूज भी होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिखाया गया तो उस मूवी जॉली एलएलबी में, जो पहली वाली मूवी थी, जिसमें जॉली जो है वो पीआईएल फाइल करता है जस्ट टू बिकम फेमस। वो तो बाद में केस उलझ जाता है, नहीं तो उसको पता था कि पीआईएल रिजेक्ट हो जाएगा, बट फिर भी उसको लग रहा था कि पीआईएल में अगर डालूंगा तो कम से कम फेमस तो होऊंगा। तो समटाइम्स पीआईएल इज ऑल्सो मिसयूज्ड। इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो केस था उसमें जस्टिस बीएन कृपाल ने कहा कि पीआईएल शुड नॉट बी अलाउड टू डीजेनरेट एंड टू बिकम पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जगह पे ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन ना बन जाए, कहीं अपनी पब्लिसिटी कराने के लिए लोग बार बार पीआईएल ना डालें। अब यूपीएससी ने इस पे बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी को रिलेट करते हुए। ये वाला प्रश्न आया था यूपीएससी 2014 में। मैंने इसका सॉल्यूशन भी लिख करके यहाँ पे दिया है, आप आराम से देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। The next article is about Nalanda University. This topic is important from our syllabus, GS paper 1, Indian history, art and culture point of view. देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में है, जो वहाँ के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो राजगीर जगह है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, जो बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है। नालंदा यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल रिसर्च यूनिवर्सिटी है, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का भी टैग मिला हुआ है। और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी अभी है बिहार में राजगीर के अंदर, इसको स्टैब्लिश किया गया ऑन सजेशंस ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब एंड नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन। इन दोनों महान लोगों के सजेशंस पे फिर एक वक्त जहाँ पे नालंदा में बुद्धिस्ट महाविहारास हुआ करते थे, आप कह सकते हैं पुराने टाइम के जो मोनास्ट्रीज हुआ करते थे, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज 5th AD से लेकर के 12th AD तक वहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट एक मोनास्ट्री हुआ करता था, नालंदा मोनास्ट्री या महाविहारास। उसके जगह पे वापस से अमर्त्य सेन साहब और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रिकमेंडेशन पे भारत सरकार ने फैसला किया कि हम लोग जहाँ पहले नालंदा मोनास्ट्री हुआ करती थी वहाँ पे अब नालंदा यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उसके अलावा एक इंटरनेशनल समिट भी होती है, ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट के अंदर टोटल 18 देश मेंबर कंट्रीज हैं, 10 आसियान वाले प्लस ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, साउथ कोरिया, रसिया एंड यूएस। इन 18 देशों में, बहुत सारे देशों में, खासकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, आसियान कंट्रीज में बुद्धिज़्म काफ़ी प्रोमिनेंट रिलीजन है। तो और नालंदा यूनिवर्सिटी का सीधा सीधा लेना देना या रिलेशन बुद्धिज़्म से था। तो ईस्ट एशिया समिट में भी फैसला किया गया था कि हमें जो नालंदा मोनास्ट्री हुआ करती थी उसको वापस से रिवाइव करना चाहिए और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। मैं फिर से रिवाइज करा दूँ, नालंदा जो जगह है बिहार में, वहाँ पे एंशिएंट इंडिया में 5th सेंचुरी AD से लेकर के 12th सेंचुरी AD तक में वहाँ पे एक महाविहारा या मोनास्ट्री हुआ करती थी। उसको वापस से रिवाइव करने के लिए, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए डॉक्टर अमर्त्य सेन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, इन लोगों ने सजेशंस दिया था भारत सरकार को। उसके अलावा इंटरनेशनल फोरम है ईस्ट एशिया समिट, जहाँ पे 18 देश हैं, इनमें से 10 में तो कम से कम बुद्धिज़्म काफ़ी प्रोमिनेंट रिलीजन है। इन देशों ने भी फैसला लिया था कि नालंदा में हम लोग एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इन सब कारणों से भारत सरकार ने एक कानून पास करके साल 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी बना दिया। तब से ये यूनिवर्सिटी फंक्शनल है। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ ये निकल करके आई है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का एक नया कैंपस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। ये जो आप देख रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस है। ये है जो नालंदा के महाविहाराज हुआ करते थे एंशिएंट इंडिया में, उसका रिमेन्स, टूटा फूटा अवशेष जो अब बचा हुआ है, तो रूइंस ऑफ एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी, इसको डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2016। अब नालंदा महाविहारास या फिर नालंदा मोनास्ट्री जो एंशिएंट इंडिया में हुआ करता था, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि इस साल अब वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि 5th से लेकर के 12th सेंचुरी AD तक के बीच में ये फंक्शनल था. उसके बाद ओनली द लेफ्ट ओवर रूइंस वेयर देयर, जिसको बाद में हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया. तो एक वक्त यहाँ पे कम से कम 10,000 मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स पढ़ाई करते थे, ऐसा लिखा है हुआंग सांग ने. हुआंग सांग के बारे में आपने अपने हिस्ट्री क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, चाइनीज ट्रैवलर, और इनके बारे में अभी आगे थोड़ा और देखेंगे. तो हुआंग सांग ने कहा कि कम से कम 10,000 लोग या स्टूडेंट्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स वहाँ पढ़ते थे. वहाँ पे कम से कम एक बार में 2,000 टीचर्स हुआ करते थे. उनमें से जो सीनियर टीचर्स या प्रोफेसर्स होते थे उनको उपाध्याय कहा जाता था. नालंदा यूनिवर्सिटी या मोनास्ट्री जहाँ पे पढ़ाई होती थी एंशिएंट इंडिया में, उसको फाउंड करने का जो क्रेडिट है जो जाता है कुमार गुप्त, वन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी को, फाउंडर पैटर्न ऑफ नालंदा मोनास्ट्री. यहाँ पे अगर पढ़ाई या करिकुलम की बात की जाए तो बोथ सेकुलर एज वेल एज रिलीजियस टीचिंग्स होती थी, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल लर्निंग दोनों होती थी. सब्जेक्ट्स काफ़ी वैरिड तरीके के थे, वेदास, संस्कृत ग्रामर, मेडिसिन, लॉजिक, इवन मेटल कास्टिंग मतलब केमिस्ट्री वगैरह, मेटलर्जी वगैरह भी सिखाया जाता था. नालंदा यूनिवर्सिटी का डिक्लाइन हो गया 1193 में, व्हेन इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी, हु वाज अ जनरल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत. तो अभी हम लोग बात करते थोड़ा सा हुआंग सांग के बारे में. हुआंग सांग आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, आसाम हिस्ट्री से भी इनका लेना देना है, क्योंकि ही मूव टू आसाम किंगडम ऑल्सो, ही केम टू आसाम किंगडम ऑल्सो. तो हुआंग सांग भारत में आए, ही वाज अ चाइनीज ट्रैवलर. वो भारत में आए इन 630 AD, जब भारत में उस टाइम में रूल था किंग हर्षवर्धन का, और हर्षवर्धन किंग वाज ऑल्सो पैटर्न ऑफ दिस नालंदा यूनिवर्सिटी. उन्होंने भी नालंदा यूनिवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और राइज करने में मदद की. उनके राज्य के दौरान, हर्षवर्धन के राज्य के दौरान, हुआंग सांग फ्रॉम चाइना विजिटेड इंडिया. नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा महाविहाराज में एक बड़ा सा लाइब्रेरी हुआ करता था. उस लाइब्रेरी में कई सारी संस्कृत की किताबें थीं. उन सारी संस्कृत की किताबों को फिर ट्रांसमिट किया, उसमें जो इन्फॉर्मेशंस थे उसको ट्रांसमिट किया हुआंग सांग ने टू ईस्ट एशियन कंट्रीज. और इस कारण से बुद्धिस्ट जो कल्चर है, आइडियाज हैं, वो और ज़्यादा पॉपुलर हुआ इन ईस्ट एशिया. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस, जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर. छोटा सा टॉपिक है, प्रीलिम्स में आ सकता है सीधा सीधा, मेन्स में आप पासिंग रेफरेंस दे सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा. एक इंडेक्स होती है जो हर साल पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पब्लिश करता है. वही ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स. इसमें दुनिया भर के अलग अलग देशों को स्कोर दिया जाता है और उस स्कोर के बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है. स्कोर देने के लिए जो फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं वो ये होता है कि वो देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कितने अच्छे से मैनेज कर रहा है व्हाइल बैलेंसिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. मतलब सरल भाषा में कहें तो रिन्यूएबल एनर्जी को कितना प्रमोट कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कितना मैनेज करते हुए अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वो मैनेज कर रहा है. उसके बेसिस पे किसी भी देश को स्कोर और रैंक दिया जाता है. एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में लगभग 120 देशों को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी. तीनों चीज़ अगर आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं लेकिन एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज किए बिना, और आपकी एनर्जी सिक्योरिटी मतलब आपके जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो भी आपको सिक्योर तरीके से मिल रहे हैं, तो आपकी रैंकिंग अच्छी होगी. जैसा कि मैंने आपको कहा, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. हाइलाइट्स देखते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 का, जो हाल फिलहाल में पब्लिश हुआ है साल 2024 के लिए. भारत की रैंक रही है 63rd आउट ऑफ 120 कंट्रीज. दुनिया भर के जो टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं वो है स्वीडन एंड फॉलोड बाय डेनमार्क एंड फिनलैंड. ये देश हमेशा ही टॉप में रहते हैं क्योंकि ये एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तीनों को हैंड इन हैंड बैलेंस कर पाते हैं. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एलिफेंट्स कॉल ईच अदर बाय नेम. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। इस आर्टिकल की मदद से हम लोग समझ पाएंगे कि एआई का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एनवायरनमेंट में भी प्रश्न बन सकता है। देखते हैं क्या है ये न्यूज। देखिए, हाल फिलहाल में साइंटिस्ट्स ने एआई टूल्स का इस्तेमाल करके ये बात कंक्लूड किया है कि एलिफेंट्स एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, वो एक दूसरे को नाम रखते हैं और उनको नाम से बुलाते हैं। And that brings elephants amongst few animals who give name to each other. Elephants के अलावा parrots and dolphins भी एक दूसरे को बुला सकते हैं, सबको के लिए वो एक नाम असाइन करते हैं। बट एलिफेंट्स जो हैं वो इंसानों की तरह नाम रख करके बुला पाते हैं एक दूसरे को, जबकि डॉल्फिन्स या पैरट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके का विसिल बजाते हैं अलग 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 अपने दूसरे जो उनके स्पीसीज के अंदर के एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनको बुलाने के लिए। से पैरट्स अलग अलग तरीके का विसिल बजाता है अलग अलग तरीके के पैरट से कम्युनिकेट करने के लिए, उनको बुलाने के लिए। वैसे ही डॉल्फिन अलग अलग तरीके से विसिल बजाती है अपने ही स्पीसीज के अंदर अलग अलग डॉल्फिन से इंटरैक्ट करने के लिए। तो मुद्दा यह है कि डॉल्फिन्स एंड पैरट्स दे ऑल्सो कॉल डिफरेंट फेलो मेंबर्स ऑफ देयर स्पीसीज थ्रू अ पर्टिकुलर विसल, बट प्रॉपर नाम नहीं रखते। तो वहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन है डॉल्फिन और पैरट्स के भी कम्युनिकेशन में, एक दूसरे को नाम से बुलाने में वहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन है। लेकिन एलिफेंट्स लाइक ह्यूमंस, इट हैज़ बीन नाउ फाउंड कि एलिफेंट्स आर फर्स्ट नॉन ह्यूमन एनिमल्स नोन टू यूज यूनिक इंडिविजुअल नेम एंड दैट डू नॉट इन्वॉल्व इमिटेशन टू इंटरैक्ट विद अदर्स फ्रॉम देयर स्पीसीज। तो they interact with a unique individual name unlike dolphins and parrots। मतलब ये कैसा है, do not involve imitation to interact, मतलब ये लोग तो सीटी बजा रहे हैं अलग अलग तरीके का, लेकिन ये लोग हाथी इंसानों की तरह नाम से बुला रहे हैं। ये एक बड़ा अंतर है। कैसे पता चला हमें कि हाथी एक दूसरे को नाम से बुला रहे हैं? तो रिसर्चर्स ने क्या किया, 469 तरह की आवाजें हाथियों की रिकॉर्ड की, रंबल्स, लो पिच्ड थ्रमिंग साउंड्स, मतलब एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं रिदमिक साउंड को रिकॉर्ड किया गया और एआई मॉडल में उसको फीड किया गया। और एआई ने स्टडी करके बता दिया कि इस हाथी को ये लोग इस नाम से बुला रहे हैं। उसने पहले ही अलग अलग तरह के साउंड हैं अलग अलग हाथियों के लिए जो हाथी इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे को बुलाने के लिए। तो एआई का इस्तेमाल करके ये पता कर लिया गया कि हाथी एक दूसरे को नाम से बुला रहे हैं, अलग अलग नाम रखा है, जैसे हम लोग नाम रखते हैं राम, श्याम, घनश्याम, ऐसे। जबकि डॉल्फिन्स और पैरट्स भी एक दूसरे को बुलाते हैं बट यूनिक तरीके से विस्लिंग करके, दे डू नॉट कीप अ पर्टिकुलर नेम। तो दैट मेक्स एलिफेंट मच मोर एडवांस्ड इन नेमिंग ईच अदर, जो पहले से पता नहीं था। सवाल कैसा पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में तो ऐसे सवाल बना करके दे देगा कुछ, लेकिन मेंस में मान लीजिए कि कभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आंसर लिख रहे हो या एसए लिख रहे हो, पिछले साल तो आया है एसए में भी सवाल आया है, क्वेश्चन आया जीएस पेपर 3 में, वहां पे आप एप्लीकेशन में लिख सकते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग अलग डेटा को इंटरप्रेट करके हमें इन्फॉर्मेशन देता है टू मेक नॉलेज। वहाँ पे आप बता सकते हैं कि हाथियों की आवाज़ का पैटर्न स्टडी करके उसने हमें नॉलेज दे दिया कि हाथी एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज अबाउट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये कोई न्यूज़पेपर में नहीं आया था बट कल न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग बात कर रहे थे अबाउट EIA। ये ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है उसमें प्रॉपर EIA करने की जरूरत है और EIA हमारे सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन है जीएस पेपर 3 में, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट सीधा सीधा मेंशन है। तो हमने सोचा कि क्यों ना EIA को एक बार यहीं देख लिया जाए, ख़त्म कर लिया जाए। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई भी कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन एज इट इज़ रटने की मत कोशिश कीजिए, थोड़ा सा उसका आइडिया ले लीजिए, कीवर्ड्स देख लीजिए, बाकी उसके अराउंड आप डेफिनेशन बिल्ड कर लेना। तो EIA का डेफिनेशन समझो। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, कहता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है वो स्टडी करना। बिफोर मेकिंग डिसीजन कि उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है। इस स्टडी को कहा जाता है EIA, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो EIA सोशल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट प्लस इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तीनों चीज़ों को देख करके फिर फैसले लिए जाते हैं EIA के अंतर्गत। और ये डेफिनेशन दिया UNEP ने। आप EIA पे कभी भी आंसर लिखना तो ये वाला डायग्राम जरूर बना देना, ध्यान से समझो इस डायग्राम को। मान लीजिए कि कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इन्वायरमेंट पे कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा ही। विथ टाइम व्हेन यू कीप ऑन बिल्डिंग द प्रोजेक्ट इट विल हैव सम इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, डैमेज फॉर द इन्वायरमेंट। अगर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो इन्वायरमेंट विल रिमेन एज इट इज, स्टेटस को मेंटेन रहेगा। इन्वायरमेंटल स्टेटस विदाउट प्रोजेक्ट, इन्वायरमेंटल स्टेटस विथ प्रोजेक्ट, ऐसे डैमेज होता रहेगा। लेकिन अगर EIA किया जाए, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाए और एनवायरमेंट पे होने वाले डैमेजेस को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाए थ्रू एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो हम लोग इस डैमेज को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ऐसे तो EIA का फायदा ये होगा, बिना EIA करेंगे तो इतना डैमेज हो सकता है, अगर प्रोजेक्ट करेंगे ही नहीं तो कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन हमें प्रोजेक्ट करना भी है और डैमेज को मिनिमाइज करते हुए, तो इसके लिए क्या करना होगा EIA। और उससे डैमेजेस कुछ तो होंगे, प्रोजेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा, बट डैमेज को मिनिमाइज किया जा सकता है। दैट इज द आइडिया ऑफ EIA। तो यू मस्ट मेक दिस डायग्राम इफ यू आर राइटिंग एन आंसर ऑन EIA। अब ये जो EIA का कॉन्सेप्ट है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का कॉन्सेप्ट, इसको मैंडेटरी तरीके से, स्टैट्यूटरी तरीके से हमारे देश के अंदर अडॉप्ट किया गया अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 कि कोई भी इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट अगर करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो पहले उसका EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा। मतलब प्रोजेक्ट्स लाइक माइनिंग ऑफ कोल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल टाउन्स लगाए जा रहे हैं, तो उनका पहले EIA करना होगा और पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट पहले देखना होगा। और फिर एनालिसिस करने के बाद फैसला लिया जाएगा कि उस प्रोजेक्ट को ग्रांट मिलेगा, मतलब अप्रूवल मिलेगा कि डिनाई किया जाएगा। तो आप जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए अप्लाई करते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई आप प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, तो आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस के लिए अप्लाई करना होता है सरकारी विभागों में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के डिपार्टमेंट्स में। वहाँ पे आपको प्रॉपर EIA करके अपने रिपोर्ट सबमिट करने होते हैं और रिपोर्ट्स के बेसिस पे फिर फैसला किया जाएगा कि आपको अप्रूवल मिलेगा कि आपको डिनाई किया जाएगा आपके प्रोजेक्ट के लिए। EIA पे कभी भी आप आंसर लिख रहे हो तो ये डायग्राम जरूर बनाना और 7 स्टेप्स ऑफ EIA जरूर लिखना। 7 स्टेप्स जो EIA के होते हैं, सबसे पहले स्क्रीनिंग, देखा जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, अलग अलग एरियाज ऑफ इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर स्कोपिंग, कि कहाँ पे कितना पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है, उसको कहा जाता है स्कोपिंग। फिर इम्पैक्ट आईडी एंड प्रेडिक्शन, कि क्या क्या मतलब इम्पैक्ट हो सकता है, यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया। फिर एरियाज देखे कि कहाँ पे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो सकता है। फिर प्रेडिक्शन किया कि मैक्सिमम पॉसिबल कितना डैमेज हो सकता है। फिर मिटिगेशन, कि इस डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, तो 4था स्टेप होता है मिटिगेशन। फिर रिपोर्ट बनाना होता है, रिपोर्ट बनाने के बाद सबमिट करते हैं जहां डिसीजन मेकिंग होती है और डिसीजन की इसको अप्रूवल मिलना है कि नहीं मिलना है। और अगर अप्रूवल मिल भी गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद आप आंख बंद करके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो बीच बीच में कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करते रहना है कि जिस तरीके से हमने EIA किया है और जिस तरीके से हमने सोचा है कि एनवायरनमेंट को मिनिमम डैमेज करेंगे, क्या उतना ही हो रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा है डैमेज। तो बेसिकली अप्रूवल मिलने के बाद आप काम शुरू करेंगे, लेकिन काम करते वक्त भी बीच बीच में आपको मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करते रहना होगा। तो दीज आर द 7 स्टेप्स। प्लीज मग इट अप, एक्रोनिम बना के रट लीजिए, जो करना है करिए, सिलेबस का सीधा हिस्सा है, नाम याद रहना चाहिए, ये डायग्राम याद रहना चाहिए, डेफिनेशन याद रहना चाहिए। 7 स्टेप्स, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, प्रेडिक्शन, मिटिगेशन, रिपोर्टिंग, डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। और EIA जो होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिए जाते हैं, ये फ्लो चार्ट भी बना देना एग्जाम में। जो इन्फॉर्मेशन लिए जाते हैं, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लिए जाते हैं कि फिजिकल डैमेज कितना होगा, इकोलॉजिकल डैमेज कितना होगा, साथ ही साथ पब्लिक का ओपिनियन भी लिया जाता है। आप कह सकते हैं कि इमोशनल इंफॉर्मेशन भी लिया जाता है कि लोगों का क्या व्यू है इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए। तो टेक्निकल एनालिसिस प्लस पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक का तो बेसिक इन्वॉल्वमेंट जो होगा वो इमोशन के अराउंड होगा। इन दोनों के बेसिस पे, तो फैक्ट्स एंड वैल्यूज के बेसिस पे फिर EIA की जाती है और फिर रिपोर्ट सबमिट की जाती है, डिसीजन मेकिंग किया जाता है। और कुछ अदर इनपुट्स भी लिए जा सकते हैं, जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे कल हम लोग ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जब EIA करना होगा तो लोगों का ओपिनियन भी देखना होगा, टेक्निकल एनालिसिस भी करनी होगी, उसके बेसिस पे EIA रिपोर्ट होगा। और EIA रिपोर्ट के बेसिस पे तो डिसीजन मेकिंग होगा ही, लेकिन साथ ही साथ बाकी इनपुट्स भी देखे जाएंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और EIA एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज, इन सबको ध्यान में रखते हुए फिर डिसीजन मेकिंग होगी। तीन चीजें EIA में जरूर याद रखना, चार चीजें: डेफिनीशन, UNEP का डेफिनीशन, एनवायरमेंटल सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट स्टडी करना है, ये डायग्राम 7 स्टेप्स, और ये फ्लो चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, फैक्ट्स, वैल्यूज, इंफॉर्मेशन, EIA, अदर इनपुट्स, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हुए फाइनल डिसीजन मेकिंग होता है। 10 डिग्री चैनल सेग्रीगेट्स अंडमान एंड निकोबार, कवच सिस्टम्स को लेकर के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।